अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के अंदर स्टाइल को किस तरह से समझा पड़ा और जाना जाता है। चार डेफिनेशंस मैंने जमा की हैं, ये चार डेफिनेशंस ऑथेंटिक सोर्स से हैं, दो डेफिनेशन जो है फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की बुक से हैं, आप इनको पेपर में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन को समझने की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टाइल इन राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ वे अ राइटर राइट्स। हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है बात करने का, ज़िंदगी गुजारने का, इसी तरह उसका लिखने का भी स्टाइल होता है। तो हर राइटर का लिखने के अंदाज को उसका स्टाइल कहते हैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के अंदर। इट इज़ अ टेक्निक दैट इंडिविजुअल ऑथर, कोई भी ऑथर यूज़ करता है अपनी राइटिंग के अंदर। ये वेरी करता है ऑथर टू ऑथर, हर ऑथर का डिफरेंट होता है। जैसे जेन ऑस्टन का डिफरेंट है, चौसर का डिफरेंस है, शेक्सपियर का डिफरेंट है, इसी तरह। और ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के वर्ड चूज़ करता है, किस तरह का मूड यूज़ करता है, किस तरह की टोन यूज़ करता है, किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करता है, किस तरह का वो पोर्ट्रे करना चाहता है, ये स्टाइल उसको डिफाइन करता है। स्टाइल किसी भी राइटर के लिखने के अंदाज को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर और लिटरेचर के अंदर। अगर लिंग्विस्टिक्स को देखें तो अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक वेरियंट्स विच विद स्पेसिफिक सोशल मीनिंग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सोशल मीनिंग कैन बी इंक्लूड ग्रुप मेंबरशिप, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और बिलीव। अपनी मर्जी के लिखने को, अपने अंदाज से लिखने को, अपनी सोसाइटी के हिसाब से लिखने को, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके एक राइटर का स्टाइल बनाते हैं। अब स्टाइल किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है, या स्टाइल किस तरह से बनता है, या स्टाइल जो है वो सबका अलग अलग क्यों होता है और किस तरह से होता है। सबसे पहले तो जो भी आप राइटिंग पढ़ेंगे, कोई भी लिखी हुई चीज़ आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आप डिक्शन को पढ़ते हैं। डिक्शन जो लिखी हुई किस वोकैबुलरी से लिखी हुई है, लफ्ज़ों का चुनाव क्या किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोशलिस्ट का कोई ऐसे पढ़ेंगे तो उसने सोशलिस्ट की टर्म्स यूज़ की हुई होंगी। कोई लिटरेचर का स्टूडेंट ऐसे लिखेगा तो उसने लिटरेचर की टर्म यूज़ की हुई होंगी। कोई स्टेट का स्टूडेंट लिखेगा ऐसे तो उसने वो स्टेट की टर्म्स को यूज़ करेगा या उसके ऑथर को यूज़ करेगा। सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड से हमें पता लगता है कि आया ये कौन सा राइटर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करता है। अरेंजमेंट उसकी लैंग्वेज के थ्रू होगा, जिस तरह से जैसे इंग्लिश डिफरेंट तरीके से सेंटेंस को अरेंज करती है, फारसी डिफरेंट तरीके से सेंटेंस को अरेंज करती है। तो हमें इससे भी पता लगता है कि राइटर कहाँ से है। उसकी टून जो स्टोरी के अंदर उसने यूज़ की है, जो फीलिंग्स एटीट्यूड वो यूज़ कर रहा है, आया वो पैसिव है, आया वो ऑप्टिमिस्ट है, उससे हमें पता लगता है कि मूड ऑफ स्टोरी या ऐसे क्या है। नरेशन उसने किस तरह से बयान किया है, ग्रामर और पंक्चुएशन, ग्रामर किस तरह यूज़ किया, उसने पंक्चुएशन मार्क कौन से यूज़ किए हैं, या क्रिएटिव डिवाइस उसने कौन से यूज़ किया है, सिंबलिज्म यूज़ किया है, एलिगरी यूज़ किया है, मेटाफर, राइम, जो भी उसने यूज़ किया है, उससे हमें पता लगता है कि किस स्टाइल में वो लिख रहा है या किस तरह से वो लिख रहा है। तो टाइप ऑफ स्टाइल को देखें तो चार तरह की टाइप्स होती हैं। पहली एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल होती है। इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट के बारे में बहस की जाती है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दलाइल दिए जाते हैं कि मेरी बात, मैं इस तरह से इसको समझता हूँ और आप भी इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्टिव होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट हुआ है उसको डिस्क्राइब करना, उसकी छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स को बताना, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। कि जैसे कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एप्पल किस तरह का होता है, एप्पल रेड कलर का होता है, उसकी शेप किस तरह होती है, उसके लीव्स होते हैं, उसका टेस्ट किस तरह होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में आता है। परसुएसिव में आप जो रीडर है या जो आपको सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसको आप परस्यू करने की या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ कायल करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए रीज़न और जस्टिफिकेशन देते हैं कि मेरी बात मानो, मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। नैरेटिव स्टाइल ये होता है कि स्टोरी बयान करना, पोइट्री बयान करना, बायोग्राफी, ये सब नैरेटिव स्टाइल के अंदर आता है, जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग होती है। इवेंट बाई इवेंट, क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स चलते हैं, इसी तरह एक हायरार्की होती है, आप उसको फॉलो करते हैं। शॉर्ट एग्जांपल अगर देखी जाए कि मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं आपके लिए, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा स्टाइल किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, इस तरह की राइटिंग आती है, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, सो सेड जेनी, यू कैन इमेजिन द आउटकम्स, रिस्टोर्ड एमा, पुशिंग द डोर ओपन, Reluctantly Johnny followed. अब ये narrative style है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि दो लोग आपस में conversation कर रहे हैं और एक story चल रही है, ठीक है। अब किसी चीज़ को, the sunset filled the sky entirely with the lonely deep colors of rubies, setting the cloud apples. अब इसके अंदर वो describe कर रहा है कि
आया आसमान लक कैसा रहा है, किस तरह का आसमान है, इसी तरह सी शोर वो जो बता रहा है कि साहिल किस तरह से है, आपको बयान करने की कोशिश कर रहा है। अब परसुएसिव स्टाइल किस तरह होता है, अ ट्रिप टू स्विट्जरलैंड इज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस दैट यू विल नेवर फॉरगेट, ऑफरिंग ब्यूटीफुल नेचर फन एंड सन बुक्स योर वेकेशन ट्रिप टूडे। वो आपको कायल करने की कोशिश कर रहा है कि आप स्विट्जरलैंड देख के आओ, बहुत प्यारा है, आपके नेचर पे आपको फन होगा और आप खुश रहेंगे और आप के अंदर चेंज लेके आएगा। तो ये परसुएसिव है, वो परसुएट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके लिए जमा की हैं जिनके नीचे लिख दिया है कि कौन सी परसुएसिव है, कौन सी डिस्क्रिप्टिव है, ताकि आपको पता लग सके, आप इसको रीड कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट कोर्स है स्टाइल के ऊपर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है और पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ और आपको मेरी वीडियो मिलना ज़रूरी है अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।